हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, न सिर्फ हाल ही में कहा है बल्कि बार बार सुप्रीम कोर्ट यह कहता रहा है, कोई भी धार्मिक ढांचा, मंदिर हो, दरगाह हो, मजार हो, अगर सड़क, पानी या रेलवे लाइन पर कब्जा करती है तो उसे हटाया जाना चाहिए। लेकिन धार्मिक स्थलों के नाम पर अतिक्रमण लगातार जारी है। रीवा में तो सड़क पर मजार बना दी गई। त्योंथर से विधायक है सिद्धार्थ तिवारी, मजार के नाम पर सड़क पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की मांग की। सोशल मीडिया पर अमहिया में सड़क के मोड़ पर बने मजार का फोटो और वीडियो पोस्ट किया, लिखा है धर्म के नाम पर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, धर्म के नाम पर अवैध कब्जा जनता के लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है। इसमें सब है, इसमें राम है, रहीम है, जैकब है, करतार है। अब विधायक ने कलेक्टर से मांग की है कि इस अतिक्रमण को हटाया जाए। अमहिया में विधायक सिद्धार्थ तिवारी और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल का घर भी है, सड़क पर मजार के चलते आए दिन जाम लगता है। अमहिया अब एक कंजेस्टेड एरिया हो गया है, ऐसी स्थिति में इस तरह के अवैध अतिक्रमण पर कोई ना कोई कार्यवाही होनी चाहिए। मैंने कलेक्टर को भी ये बात बता दी है और मुझे ऐसा लगता है कि जन सामान्य की सुविधा के लिए प्रशासन और सभी नेता इसके लिए काम करेंगे। जो सोशल मीडिया पे माननीय विधायक जी का एक ट्वीट है, उनके फोन पे भी चर्चा हुई थी, अमहिया की एक धर्मस्थल को लेकर के है, धर्मस्थलों को रिलोकेट करने और उसको लेकर के विशेष अलग से नियम बनाए गए हैं, तो उसके लिए जो चूँकि स्थानीय हुजूर तहसील का विषय है तो हुजूर एसडीएम के माध्यम से हम लोग विषय को दिखवाएंगे कि क्या विषय है। तो अब सीधे ग्राउंड जीरो आपको लिए चलेंगे, रीवा आपको लिए चलेंगे, विजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, सीधा विजय के पास आपको लिए चलेंगे। धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, कब्जे के काम पर लगता तो यही है। विजय, पब्लिक ओपिनियन क्या है, ग्राउंड जीरो में क्या स्थिति? विजय, जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वही मजार है जो आज चर्चा का विषय बन चुकी है। आप देख पा रहे हैं ये तस्वीरों के माध्यम से, ये सिरमौर चौक से लेके हॉस्पिटल चौक के लिए मुख्य मार्ग है, जो इस मुख्य मार्ग में अमहिया का मार्ग ये कनेक्ट होता है। और आप ये देख पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से ग्राउंड जीरो में कि ये ट्रैफिक की जो भीड़ भाड़ के वजह से आए दिन यहाँ ट्रैफिक की अव्यवस्थाएं होती है, जाम लग जाता है, ऐसी स्थिति निर्मित होती है। आज ये पूरा दिन चर्चा का विषय बना हुआ है। भाजपा विधायक त्योंथर सिद्धार्थ तिवारी ने आरोप लगाया है कि ये मजार की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं ग्राउंड जीरो से, मैं आपको ये मजार की तस्वीरें दिखाऊंगा। ये मजार को उन्होंने आरोप लगाया है ये रोड से एकदम अवैध रूप से बनी हुई है, और ये मार्ग जाता है मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम के घर की ओर, एवं उन्हीं के जस्ट बगल में त्योंथर विधायक सिद्धार्थ तिवारी जी का घर है, ये आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। जी बिल्कुल, ये इलाका समझ में आता है विजय, किस तरह का ये इलाका है। कुछ लोग भी आपके साथ नजर आ रहे हैं, उनका ओपिनियन लीजिए कि क्या इस तरह से, वो कुछ भी हो सकता है, गुरुद्वारा हो सकता है, मंदिर हो सकता है, मस्जिद हो सकता है, उसके चलते क्या पब्लिक सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा? अदालत तो साफ इनकार कर चुकी है। विजय, लोगों से पूछिए जरा। देखिए, त्योंथर विधायक सिद्धार्थ तिवारी ने आरोप लगाया है कि अवैध रूप से रोड में बनी हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपको एक बार बता दूं, ये अवैध नहीं, ये वैध है। ये पट्टे की अराजी में मजार हमारे पुरखों ने बनवाई, जिसका पट्टा आज भी मौजूद है, इसकी खतरा क्रमांक 370 तीन डिसमिल करीब इसमें है, जिसमें एक डेढ़ डिसमिल में मजार बनी हुई है, बाकी जमीन खाली पड़ी हुई है। आज 200 वर्ष से ये मजार बनी हुई है, अभी तक इससे माननीय स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी जी भी निकला करते थे, सुंदरलाल तिवारी जी की भी रैलियां निकलती थी, उनको कोई आपत्ति नहीं हुई। आप क्या कहना चाहेंगे, आज आरोप लगा है मजार के ऊपर? वो तो गलत है, अपने पट्टे में ही बना,
वो जो कहते हैं कि अवैध है ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहता हूँ ये पट्टे में बनी हुई है वो गलत चीज है जी। हमारे साथ ये स्थानीय लोग हैं जिनका कहना है कि ये 200 वर्षों पुरानी मजार है जो कि उनके द्वारा आरोप लगाया गया है वो पूरी तरह से अवैध आरोप लगाया जा रहा है। चलिए बहुत धन्यवाद आपका, आपके साथ जो लोग जुड़े उनका भी धन्यवाद, वक्त की कमी है, बहुत धन्यवाद आपका। और अब बात करेंगे ग्राउंड जीरो में छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था। बिलासपुर प्रदेश के बड़े शहरों में से एक है लेकिन न्यायधानी है, लेकिन यहां लॉ एंड ऑर्डर बदहाल है। जहां से न्याय मिलता है वहां कानून व्यवस्था ध्वस्त है। देख लीजिए ऐसा लग रहा है अपराधियों में पुलिस का जरा भी डर नहीं। वीडियो देखिए, बदमाश एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं, कई लोग मौजूद हैं। बदमाशों को डर नहीं है, ये बेल्ट से युवक को पीट रहे हैं। पिटाई से पहले क्या कर रहे थे? युवतियों से छेड़छाड़ की। जिस युवक को पीटा जा रहा है ये उनका भाई है, इसने मना किया, विरोध किया, बदमाश को बुरा लगा कि हम तो किसी को छेड़ सकते हैं, अधिकार है हमें, क्योंकि कानून वर्दी वाले तो है नहीं, तो जमकर पिटाई करने लगे। बदमाशों ने कार का शीशा तोड़ दिया। नाम है आरोपियों के अंकित सिंह, दीप सलूजा, कई मामले दर्ज हैं इन पर, लेकिन पुलिस का खौफ नहीं। सीधा बिलासपुर आपको लिए चलेंगे, उमेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, न्यायधानी में कानून व्यवस्था का इतना मजाक पहले नहीं देखा। उमेश, जिस तरीके से लगातार घटनाएं निकल कर सामने आ रही हैं, वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं जो खौफ होता है पुलिस का अपराधियों पर, वो खौफ नहीं है और यही वजह है कि पुलिस पर भारी पड़ते जा रहे हैं अपराधी। जिस तरीके से घटनाएं निकल कर सामने आई लगातार, चाहे होटल्स हो, चाहे बार हो, चाहे ढाबे हो, वहां पर आम बात हो चुकी है मारपीट की घटनाएं, चाकूबाजी की घटनाएं। बीते दिनों भी इसी तरह की घटना निकल कर सामने आई जिसमें जो लड़कियां थी वो खाना खाने ढाबा पहुंची थी और उनसे छेड़छाड़ किया गया। जब उनके भाइयों ने इसका विरोध किया तो उनके भाइयों को बेरहमी से पीटा, बेल्ट से और लात घूसे से उसकी पिटाई कर दी। अब पूरे मामले को लेकर शहर के कुछ नागरिक भी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे किस तरीके से देखते हैं कानून व्यवस्था को, क्या लगता है कि बिलासपुर सुरक्षित है? जी, बिलासपुर शहर में आखिर इतना अपराध क्यों हो रहे हैं? इसके पीछे अपराध का समय अगर देखा जाए गौर से तो अपराध का समय रात को 11 बजे के बाद होता है। 11 बजे के बाद ऐसी कौन सी मजबूरी है जो लोगों की इतनी भीड़ होटलों में और जमा हो रही है? उसके पीछे कारण है आबकारी विभाग द्वारा थोक में लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं, जगह जगह गलियों में बार खुल गए हैं, वहाँ पर पब के नाम पे फुहड़ता हो रही है। ये सारी चीज़ें अपराध को ही जन्म देती है। बिल्कुल, अपराध को जन्म देती है। किस तरीके से देखते हैं बीते दिनों जो घटना हुई ढाबे? देखिए, ये घटना तो ढाबे के साथ भी और जो बाहर जो खुले हैं, यहाँ पर जो गांव से जो आकर शहर में लड़कियाँ रहती हैं उनके द्वारा देर रात तक बारों में उनकी एंट्री दे जाती है, नाबालिगों को भी एंट्री दी जाती है, जिससे ये अपराध घटित होते हैं। आपको क्या लगता है कि पुलिस का खौफ नहीं है बिलासपुर में अपराध? बिल्कुल ही नहीं है, पुलिस का खौफ नहीं है, ना कानून को किसी को भय भी नहीं है। जब लड़के सुरक्षित नहीं तो लड़की कैसे सुरक्षित रहेंगे बिलासपुर में? दादा आप बताइए, आप अपने आप को सुरक्षित, अपने परिवार बच्चों को सुरक्षित? नहीं, बहुत निंदनीय है जो वारदात हुई है, बहुत खराब बात है। रात के टाइम में ऐसा तो देना ही नहीं चाहिए, देर रात तक लाइसेंस वगैरह इशू नहीं करना चाहिए। अब युवतियों का और अब जो भी युवा, उनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है, बहुत खराब। बिल्कुल, सुरक्षा जरूरी है। जी हाँ, बहुत जरूरी है, लेकिन एक चीज ये भी देखना चाहिए कि पुलिस बल भी सीमित है और दिन भर वो अपने काम में व्यस्त रहने के बाद एक उनकी भी लाइफ है। तो जब सरकारी दारू की दुकान 10 बजे बंद हो जाती है, बार का लाइसेंस 11 बजे तक के लिए है, तो किन परिस्थितियों में 2:30 बजे रात तक बार के खुले रहते हैं? ये गौर करने वाली बात है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, इस पर ये बड़ा सवाल है कि आखिर 11 बजे बंद करने वाले जो बार्स है, जो होटल्स है जहां पर बार संचालित हो रहे हैं, वो देर रात तक क्यों खुले होते, क्यों वहां पर देर रात तक के शराब परोसी जाती है? और यही कारण है कि इस तरह की घटनाएं निकल कर सामने आती, मारपीट, हत्या जैसी वारदातें जो है वो न्यायधानी में निकल कर आती है। कहीं ना कहीं पुलिस तो अपनी ओर से चौकसी और तमाम दावे करती है कि अपराधियों को नकेल कसने के लिए वो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, जो हथियार है, वो उपयोग में ला रहे हैं, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है जिस तरीके से लगातार घटनाएं घट रही है। ललित जी, धन्यवाद उमेश आपका, आपके साथ जो लोग जुड़े, अपनी बात उन्होंने ग्राउंड जीरो में रखी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
बिलासपुर से आप ग्राउंड जीरो से लाइव देख रहे थे। और अब बड़ी